तो दोस्तों फाइनली मैं बैठ गया हूँ यहाँ पर। मेरा कुछ ही देर में ऑर्डर भाई लेने आएंगे, देखेंगे मीनू में वो क्या लेते हैं, यहाँ पर मीनू नहीं। हाँ तो दोस्तों फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ, देखिए जो कि ये है, जो कि ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिश मीन आप लोगों के कॉर ब्लॉग में खुशामदीद। हाँ तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो रेड हेवन का होगा, सिवान में है, जो कि स्टेशन के जस्ट फ्रंट में है। वहाँ पर हम जाएंगे, आप लोगों का ब्लॉग वीडियो दिखाएंगे पूरा फुल। हाँ तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। हाँ तो चलिए दोस्तों ब्लॉग वीडियो मिलते हैं। हम लोग बाइक पर बैठ गए हैं, देखिए जो कि बाइक है स्प्लेंडर आई स्मार्ट, जो कि माइलेज का बाप है। अब हम लोग कुछ ही देर में इसी की तरफ रेड हेवन की तरफ रवाना हो रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बाइक पर बैठ गए मैं, ये भाई सब आगे बढ़ चलिए। अब कुछ सिवान का आप लोग का व्यूज दिखाऊंगा, फिर मिलते हैं। मैं जस्ट विशाल के सामने पे हूँ, जो कि पूल है इधर, अब मॉस्क है माशाल्लाह सामने। चलिए आप लोगों का रेड हेवन में चलकर देख सकते हैं, विशाल का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आगे चलकर आप लोग का स्टेशन का जस्ट सामने में होगा रेड हेवन, वहाँ पर चलकर आप लोग को ब्लॉग दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेना होगा, आगे आप लोग चल जाइए उधर अंदर की तरफ। चलिए हुसैनगंज वगैरह चलते, चलिए ब्लॉग को वहाँ से शुरू करते हैं। रेड हेवन आ गए, देखिए ये स्टेशन जस्ट इसके सामने ही आप लोग फ्रंट में रेड हेवन जो कि दिख रहा है। अब अंदर में इसके आगे में जो कि नीचे ऊपर में है, ये जो कि ये देखेंगे ऊपर में है, ऊपर में जा रहा हूँ आप लोग। चलिए जाकर आप लोग इसका ब्लॉग दिखा रहे हैं। चलिए स्टेन है, स्टेन के बाद तब हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। चलिए हाँ तो दोस्तों मैं देखिए अब यहाँ से जा रहा हूँ, देखिए वहाँ पर जो है कि रेड हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, देखिए यहाँ पर भी ये लिखा है। अब इस सीढ़ी से मैं इस फ्लोर पर एंट्री करूँगा, उसके बाद से फिर मैं मीनू लूँगा, मेनू से मैं चेक करूँगा क्या है क्या नहीं, उसके बाद से आप लोग जाकर देखिए इस पे मैं हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये फ्रंट से मैं एंट्री करूँगा, अब एंट्री करके अंदर जाकर आप लोग का पूरा फुल ब्लॉग दिखाऊँगा। हाँ तो दोस्तों फाइनली मैं अंदर आ गया हूँ, देखिए जो कि ये है, जो कि ये थिंक ये वॉशरूम है, वॉशरूम है इसमें जो कि टॉयलेट लेडीज है, ये जेंट्स का। यहाँ पर ये भाई साहब देखिए ये ऑर्डर वगैरह जो दिलाता है, इधर लोग खाते हैं पीते। मैं जाऊंगा अपना जो कि बैठूंगा इसमें और आप लोगों का खाकर पूरा फुल ब्लॉग दिखाऊंगा। चलिए अब मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी साइड में बैठूंगा और कुछ खाऊंगा, उसके बाद से आप लोगों को मैं दिखाऊँगा उसमें जो मीनू में ऑर्डर लूँगा, उसके बाद से आप लोग का पूरा फुल मैं दिखाऊँगा। देखिए जो कि यहाँ से पूरा बाहर जो है कि यहाँ से पूरा सिवान का नज़ारा दिखेगा, तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग का सिवान का नज़ारा दिखाऊँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ से जो है कि सिवान का पूरा फुल नज़ारा दिख रहा है, जो कि सामने में स्टेशन है सिवान जंक्शन, जो कि सिवान जंक्शन से पूरा ऑल इंडिया ओवर का ट्रेन मिलती है आई थिंक। इधर में लोग हैं, पब्लिक है जो कि खाते हैं पीते हैं। अब मैं वहाँ पर जाकर आप लोगों का वहाँ पर जाकर अपना सीट लूँगा, वहाँ पर बैठूँगा। ये देख सकते हैं ये मिरर है इसका। चलिए आप लोग का मैं आगे अब चल कर आप लोग का कुछ ऑर्डर लेकर टेस्ट कर कर आप लोग का मैं आगे ब्लॉग दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों फाइनली मैं बैठ गया हूँ यहाँ पर, मेरा कुछ ही देर में ऑर्डर भाई लेने आएंगे, देखेंगे मीनू में वो क्या लेते हैं। यहाँ पर मीनू नहीं है, क्योंकि इस टेबल पे है, अकेले टेबल पे मैं बैठा हुआ हूँ। कुछ ही देर में ये ऑर्डर लाएंगे, ऑर्डर देंगे तो उसके बाद से मैं टेस्ट का आप लोग का जायका इसमें बताता हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ तो दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में, जो कि एक ब्लॉग आप समझ सकते हैं रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट का तो नॉर्मल खर्चा 400-500 रुपया आ जाएगा, नॉर्मल खर्चा समझ सकते हैं कि मैं 3-4 रेस्टोरेंट में चला गया हूँ। और उम्मीद है इंशाल्लाह, दुआ कीजिए कि जल्द रिलीफ हो जाए, क्योंकि तबीयत माशाल्लाह 80% ठीक हो गई है। डॉक्टर अभी रेस्ट में बोलने के लिए बोला है, कुछ ही दिन घर पर रहूँगा, उसके बाद से मैं बाहर का आप लोग का पूरा फूल बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा। देखिए भाई साहब अब कुछ ही देर में आएंगे, उसके बाद से हम लोग मैं टेस्ट का जायका बताऊँगा। चलिए दोस्तों हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं डेकोरेशन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, जो कि ये देखिए मैं यहीं से एंट्री किया था, जो कि रेड हेवन वहाँ पर लिखा होगा, जो कि ये मेरा टेबल है, देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर खाते हैं। यहाँ पर ये रिसेप्शन है, जो कि बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों मेरा ऑर्डर आएगा, खाकर टेस्ट का आप लोगों का जायका मैं बताऊँगा कैसा लगेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये।
मेरा रेड हेवन का मीनू आ गया, जिस इसको मैं ओपन करूंगा उसमें क्या है देखूंगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, नॉर्मल अभी खाना खा कर आया हूँ, जो दिल करेगा वही पिया, तो कुछ खाऊंगा नहीं तो आइसक्रीम आइसक्रीम लूँगा। इसमें ड्रिंक का चार्जर देखेंगे कितना है, इसमें देख रहे हैं इसमें पता नहीं अब कुछ ऑर्डर। हाँ तो दोस्तों फाइनली ऑर्डर हो गया, जो कि मसाला कुल्चा कुछ ही देर में आएगा, उसको खा कर टेस्ट का आप लोगों को जायका बताता हूँ। तो मेरा ऑर्डर आ गया है, जो कि ये नाम नहीं पता है क्या है, भूल गया हूँ, जो कि इसको मैं इसमें से चटनी निकालता हूँ। दोस्तों इसको मैं ओपन किया, जो टोमेटो सॉस है थोड़ा सा इसमें टोमेटो सॉस रख रहा हूँ, और इसको देख रहा हूँ जो कि ये इसमें भी टोमेटो सॉस है, बस दो टोमेटो। हाँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहा है। देखिए ये जो कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, मसाला बहुत ही अच्छा है। इसका पूरा फुल ब्लॉग वीडियो कल मिल जाएगा, आप लोग ब्लॉग वीडियो जरूर देखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों पूरा फुल ब्लॉग वीडियो में मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों फाइनली मैं खा लिया, फ्रेश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों कुछ ही देर में भाई साहब हमारे जो है कि इसका रिसिप्ट लाएंगे, बिल रिसिप्ट, उसके बाद से मैं देखिए फ्रेश है पूरा। ये वाटर है जो हाफ ख़त्म हुआ है, जो कि आते समय पानी देते हैं, मतलब इसका इसमें इंक्लूड रहता है पैसा वगैरह। चलिए दोस्तों कुछ देर में बिल रिसिप्ट देंगे, पेमेंट करने के बाद उसको मैं ब्लॉग इन। हाँ तो दोस्तों फाइनली मेरा बिल रिसिप्ट आ गया है, देख सकते हैं जो कि ये सिर्फ ऑनलाइन 90 रुपीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी सस्ता में हो गया है अकेले ही। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद से मैं और थोड़ा सा आप लोगों को भेज दिखाता हूँ, उसके बाद से मिलते हैं। फाइनली मैं अपना बिल पेमेंट कर दिया हूँ, और मैं अब देखिए इसका नज़ारा मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को, जो कि ये रिसेप्शन है। इधर इधर से ऑर्डर लेकर आते हैं लोग, जो कि यहाँ से ये एंट्री गेट है, इधर ये वॉशरूम है पीछे में, और इधर ये सो कि आप खा सकते हैं इसमें लोग आते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।